अब खबरें विस्तार से। लेटिन की शुरुआत गुरुग्राम से, जहां क्राइम ब्रांच ने लूट और हत्या की वारदात का खुलासा करते हुए दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पकड़े गए दोनों बदमाशों ने 22 फरवरी की रात को ऑटो चालक को लूटकर हत्या कर दी थी। साइबर सिटी में बीती 22 फरवरी की रात को गड़ौली इलाके में हुए ऑटो ड्राइवर के हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया। पुलिस ने हत्यारोपी दो बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिन्हें आज जिला अदालत में पेश किया गया और दोनों गिरफ्तार बदमाशों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी। एक ऑटो ड्राइवर की हत्या हुई थी सर, उस मामले में गुड़गांव पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, क्या है सर पूरा मामला? ये 22 और 23 तारीख की रात को अंकित नाम का ऑटो ड्राइवर था, ये गुम हो गया था, जिस संबंध में FIR नंबर 159 डेटेड 22/2/17 पहले ही दर्ज की जा चुकी है। जो 24 तारीख को इसकी लाश हम एक गड़ौली खुर्द नाले में प्राप्त हुई थी, जिसमें पोस्टमार्टम करा के क्राइम ब्रांच द्वारा इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई और इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबूत वगैरह मिलने पर दो आरोपियों को होंडा चौक के पास से गिरफ्तार किया गया। कौन है सर ये दोनों आरोपी? एक श्रीकांत उर्फ 35, दूसरा दीपक सिंह शाही। इसमें कोई आरोपी फरार भी चल रहे हैं सर? अभी और भी इसमें हो सकते हैं, जिनका इनसे पूछताछ करके जिन जिन के संबंध में जो भी एविडेंस आई है उनको आगे अनुसंधान। सर क्यों किया गया था मर्डर, कुछ कारण सामने आया सर? ये अभी तक जो आया है इसमें मोबाइल फोन और पैसे छीनने का ही मेन इंसिडेंट सामने आ रहा है। कितने पैसे छीने गए थे सर? पैसे के बारे में अभी जो है कितने पैसे छीने गए सर टोटल? लगभग 600 रुपये है इसमें। पुलिस के गिरफ्त में खड़े हत्यारोपी से पूछताछ में यह साफ हुआ कि मृतक अंकित की हत्या लूट के चलते की गई थी। गुरुग्राम से योगेश कुमार की रिपोर्ट।